साइड में अपना ऋषिकेश का एम्स है। गाइस ये है अपना वीरभद्र बैराज डैम। तैयार हो चुके हैं, अब देखते हैं अपना आज का लास्ट दिन आज ट्रिप का ऋषिकेश का, तो देखते हैं आज क्या क्या अपना लोकेशन एक्सप्लोर करते हैं हम यहाँ की, जो भी एक्सप्लोर करते हैं वो फिर ऐसे के साथ ही सीक्वेंस के साथ ही आज के व्लॉग में डालते हैं फिर। तो एक सजेशन और दूंगा गाइड, जैसे आप ऋषिकेश के अंदर ट्रेवल करने के लिए आते हो तो अगर आपके पास अपना वाहन हो, वाहन में भी आपके पास अगर आपकी बाइक या स्कूटी टू व्हीलर हो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ की जो रास्ते हैं गलियाँ हैं उनसे जो टू व्हीलर है वो इजीली निकल जाते हैं और आप कहीं पे भी एक्सप्लोर कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो इन कंपैरिजन टू कार वगैरह फोर व्हीलर वगैरह थोड़ा जगह की वजह से। हाँ अगर आपको कहीं ऊपर जाना है और पहाड़ों में वहाँ कार ठीक रह सकती है, बट पर्सनली मेरा ये सजेशन है कि अगर आपको एक्सप्लोर करना है इधर उधर ऋषिकेश के अंदर तो आपको टू व्हीलर ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा और सही रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अपनी स्कूटी लेकर बीटल्स आश्रम और चौरासी कुटिया। मैं अपनी स्कूटी स्टार्ट कर रहा हूँ। सो गाइस ये अपना एम्स वाला रोड है, यहाँ से हम बैराज डैम है जो वहां से होते हुए जाएंगे। दिखाता हूँ मैं भाई, ये राइट साइड में अपना ऋषिकेश का एम्स है, काफी बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ का, मतलब मुझे लगता है शायद दिल्ली वाले से भी बड़ा होगा यहाँ पे। और ये सामने जिस रोड से हम चल रहे वीरभद्र रोड है जो डैम से होता हुआ निकलता है। गाइस ये है अपना वीरभद्र बैराज डैम। गाइज अभी मैं नीलकंठ रोड और हमें यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट गार्ड मिले थे, उन्होंने हमको सजेशन दिया है कि आपको बीच में नहीं रुकना है क्योंकि ये ना यहाँ पे टाइगर रिजर्व है और यहाँ पे मतलब रुकना अलाउ नहीं करते क्योंकि यहाँ पे जो है जंगली जानवर रहते हैं वो मिल सकते हैं, तो थोड़ा उस वजह से उनका डर रहता है, इस वजह से यहाँ पे सेट किया जाता है कि आपको यहाँ पे कहीं रुकना नहीं है, ये काफी फॉरेस्ट एरिया है।
गाइस, जो ये जंगल है ये और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर जगह जगह पर साइन लिखा हुआ मिलेगा कि ये यहाँ पे जो है जंगली जानवरों का एरिया है, आपको यहाँ पे रुकना नहीं है। इसलिए मैं भी यहाँ पे रुकने की कोशिश नहीं करूँगा, आप वीडियो में देख सकते हैं। गाइस, अपनी जुपिटर BS6 काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है यहाँ पे हिल्स में, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है यहाँ पे इसको राइड करने में, क्योंकि अगर आप बाय रूट ऋषिकेश से नीलकंठ के लिए निकलते हो तो डिस्टेंस है वो 33 किलोमीटर शो किया हुआ है मुझे गूगल ने। और गाइस ये देखो यहाँ पे लंगूर बंदर, छोटे छोटे बच्चे, बाकी आप कैसे बीच बीच में गए। यहाँ के जो सीन्स है ना, मतलब आप देख के फुली अमेज हो जाओगे अगर आप टू व्हीलर से यहाँ पे आते हो ना कभी। वाकई में यहाँ के मतलब जो सीन्स देखो आप गाइस, मतलब आपको एकदम ना इतना मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा एकदम टेंस जंगल, बड़े बड़े पेड़। गाइस देखो यहाँ का नजारा सामने, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स और ये डाउन हिल जाते हुए, लाइक अलग ही मजा आया भाई नेचर का। अगर आपको नेचर से प्यार है तो आपको पहाड़ों में आके ना जो फील मिलेगा वो कहीं पे नहीं मिलेगा। देखो सामने माउंटेन्स, गाइस अपने वाहन का ना अपना अलग ही मजा है यहाँ पे। अगर आप आओ तो वो, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे रेंट पे ले सकते हो। गाइस देखो ये यहाँ के महिलाएं लकड़ियां लेके जाते हुए, गाइस ये राजा जी टाइगर रिजर्व का एरिया लगता है, सारा फॉरेस्ट है जो यहाँ का। गाइज आपको मैं अभी ना ऋषिकेश का यहाँ पे व्यू दिखाता हूँ, ये देखो। गाइज मैं अभी ये अपना भूतनाथ मंदिर है ऋषिकेश के अंदर यहाँ पे रुक गया था देख के ना रास्ता, तो बाली भाई अपना उसने बताया था कि यहाँ पे एक भूतनाथ मंदिर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखो ये मेरे जो ऊपर मंदिर है ये भूतनाथ मंदिर है, कुटिया है, और ये सामने यहाँ पे मंदिर है भूतनाथ मंदिर। अपना भूतनाथ मंदिर, अपना चारों ओर माउंटेन से घिरा हुआ, यहाँ से आपको प्रॉपर व्यू पूरा ऋषिकेश का एक जो व्यू है वो दिखेगा। तो गाइस अभी हम यहाँ पे
भूतनाथ मंदिर के अंदर आए थे और हमें यहाँ पे पंडित जी मिले। पंडित जी आपका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, और ये हमें इस मंदिर के बारे में बताएंगे अभी कि यहाँ पे जो भगवान शिव जी महाराज है हमारे, उनकी जब शादी हुई थी उसकी बारात के बारे में, यहाँ की जो कथाएं है उसके बारे में हमको पंडित जी बताएंगे। पंडित जी यहाँ का मतलब क्या कहानी है यहाँ की? कहते हैं भोलेनाथ की जब तेतरायुग में शादी हुई थी पार्वती के साथ में, हाँ जी, तो ऋषि मुनि देवी देवता भूतों की एक टोली भी थी उनकी बारात में, जो कहते हैं कि वो इस मणिपुर पर्वत पे आए थे अपनी बारात भूतों की टोली लेकर। अच्छा। हाँ, तो इसी नाम से यहाँ पर जो है इनके नाम से मंदिर बनाया गया है, भूतनाथ मंदिर जी, इसी नाम से। तो गए यहाँ पे भगवान शिव जी की जो मूर्ति आई, और ये पीछे इनकी बारात की, भूतों की बारात की पिक्चर लगी हुई है, और ये काफी ऊंचाई पे पर्वत पर ये मंदिर है। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, देखो ये बिल्कुल टॉप पे जो पहाड़ी है यहाँ की, जो कथा के अनुसार ये है। सो गाइज, मैंने भूतनाथ मंदिर की जो कथा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मंदिर में दर्शन किए, और कथा को जानना कि यहाँ की कहानी क्या है, और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ किसी दूसरी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। मेरे अनएक्सपेक्टेड प्लान्स है, मतलब कोई प्लानिंग ही नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो अब देखता हूँ मुझे कहाँ पे एक्सप्लोर करना है क्या करना है। और तो भाई अभी चौरासी कुटिया पड़ती अपनी ऋषिकेश में, बाली भाई का सजेशन था कि चौरासी कुटिया के अंदर घूमने के लिए, तो यहाँ पे आगे पता चला कि जो नॉर्मल टिकट है वो 150 की है, और अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है वो 75 रुपीज़ की, और अगर आप 18 ईयर से नीचे के स्टूडेंट हो तो उसके लिए 40 रुपीज़ का टिकट है। अब बाकी एक्सप्लोर करते हैं यहाँ को, देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। सो दोस्तों, जो अपना चौरासी कुटिया आश्रम है हम इसमें आए हुए हैं, और इसकी जो कहानी है उस कहानी का इतिहास है कि इसको महर्षि महेश योगी जी ने 1961 में इस स्थान का दौरा किया था, और यहीं पास में ही इधर की तरफ गंगा जी नदी है, और यहाँ पर आने के बाद वे इतना मतलब एक होता है ना कि किसी प्लेस को देखने के बाद अमेज हो जाते हैं, तो वो इस प्लेस को देखने के बाद अमेज हो गए थे, और उन्होंने जो ये जमीन है ये जमीन पट्टे पर ली थी, और पट्टे पर रहते रहते उन्होंने इसका आश्रम बनाया था, जो ये आपको दिख रही है ना यहाँ पे कुटिया। तो इन कुटियाओं का ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि आप यहाँ पे आ करके आप ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मतलब एक होता है ना बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी शांति, एकदम नेचर, ठंडी ठंडी हवा, धूप पत्तों से आती हुई, पेड़ पौधों के बीच से आती हुई धूप। और इसमें 1990 के टाइम पे जो आश्रम है ये थोड़ा ना मतलब जगह जगह से टूटने लगा, खंडर टाइप में बदलने लगा, तो फिर इसको 40 साल बाद सन 2000 में जो यहाँ का वन विभाग है उत्तराखंड का, ये जो प्लेस है इसकी देखरेख के लिए उसको दे दिया गया। अब सारा जो इसका रख रखाव है, जो भी इसका मेंटेनेंस है, वो सब वन विभाग को दे दिया गया है, और जैसे आप यहाँ पे एंट्री करोगे, एंट्री के लिए जो टिकट्स है, जो सारा सिस्टम है, वो वन विभाग के अंडर में आता है। और जो चौरासी है, वही की चौरासी कुटिया इसका नाम क्यों लिया गया, तो जो चौरासी कुटिया नाम लेने का मतलब ये है, जैसे आपने सुना होगा मान्यताओं के अनुसार होता है कि 84 लाख प्रजातियां, 84 लाख योनियां जो बताई गई है हमारे धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, कि जो धरती है उसके अंदर 84 लाख प्रजातियां है, योनियां है, उसी के हिसाब से इस आश्रम का नाम जो है चौरासी कुटिया रखा गया है।
बाकी मैं अभी आपको इसके सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ और देखते रहिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। काफी बड़ा आश्रम है, मेरे घूमते घूमते पैर दुखने लगे। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और जो भी अपना नेक्स्ट प्लान रहेगा जहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे उसको मैं फिर दिखाता हूँ। अनप्लान्ड प्लान है सब हमारे, कोई प्लान नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है अपना, देखते रहो आप भी। गाइज आज अपना आखिरी दिन है ऋषिकेश का, मतलब आखिरी रात है। अभी यहाँ लिटिल बुद्धा कैफे में डिनर कर रहे हैं और डिनर करने के बाद में थोड़ा बहुत मार्केट में कुछ शॉपिंग वगैरह थोड़ी बहुत देखते हैं कुछ मिलेगा हमारे लायक, और फिर कल अपना मॉर्निंग में आराम से उठेंगे अपना निकल जाएंगे घर के लिए, नॉर्मल जिंदगी अपना वही वापस, उठो खाओ पियो सो जाओ, फिर कभी देखते आना होगा तो फिर करते हैं आपसे बात। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। ये अपना आइसक्रीम विद चॉकलेट बाउल, और ये अपना सूप है, और ये गंगा जी है इधर यहाँ पे सामने। गाइस इस बुद्धा कैफे का जो व्यू है ना वो एक नंबर का व्यू आता है, बिल्कुल मस्ट रिकमेंडेड कैफे। सो गाइस अपनी ऋषिकेश की जो ट्रिप है आज वो एंड होती है यहीं पे, और चलता हूँ मैं ब्याज घर, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू गाइज़।